तो पुनीत, आज के फेस ऑफ द डे है शिवराज सरकार के सीनियर मंत्रियों में शामिल गोपाल भार्गव। 8 बार के विधायक भार्गव सबसे उम्रदराज विधायक और अजय योद्धा 18 साल से अलग अलग विभागों में मंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तकरीबन 40 साल 4 दशक से ज्यादा हो गए। जनता के आशीर्वाद से लगातार उनको कई बार कई पदों पर बैठने का मौका मिला, लेकिन जनता के बीच आकांक्षा उन्होंने जाकर आज कहा कि उनकी इच्छा बच गई है सबसे ऊंचे पद पर बैठने के लिए, और इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है। अब इसके मायने क्या निकलते हैं देखें जरा। ये दर्द भरा वो अधूरा अरमान है जिसे पूरा करने शिवराज सरकार के सबसे सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव जनता से सीधे आशीर्वाद मांग रहे हैं। सागर जिले के गढ़ाकोटा में हुए समारोह में गोपाल भार्गव ने कहा कि आप लोगों ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहा, अब आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं। उनके इस बयान का अर्थ निकाला जा रहा है कि बातों बातों में मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री बनने की हसरत जताई। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी वो खुले मंच से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। भावुकतावश उनकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो आंसू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके द्वारा दी गई बद्दुआ है। और एक कद्दावर नेता की आंखों में आंसू, जिसे मैं बार बार कहना चाहूँगा कि वो बद्दुआ है, संबंधित नेता उन बद्दुआओं से बच नहीं सकते। कई बार आपने देखा होगा जब हम परिवार में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो कई बार कार्यकर्ताओं की भावनाएँ आती हैं, उसी भावनाओं के इसी तारतम्य में उन भावनाओं को वो व्यक्त कर रहे थे। बाकी निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 23 भी हम फतेह करेंगे और 24 भी हम जीतेंगे। भार्गव रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में हुए कार्यक्रम में बेहद भावुक दिखे। गोपाल भार्गव यदि इस बार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल गौर के बाद सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले विधायक गोपाल भार्गव ही हैं। पिछले दिनों उन्होंने 3 चुनाव और लड़ने का ऐलान किया था। अब सार्वजनिक मंच पर जनता से सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने का आशीर्वाद भी मांगा है, और इस मौके पर उनकी आंखों से छलके आंसू उसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे वक्त तय करेगा कि क्या गोपाल भार्गव को जनता का ये आशीर्वाद मिलेगा। उससे भी अहम सवाल ये, क्या पार्टी उनको ये अवसर देगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो पुनीत, एक तरफ बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जनता का आशीर्वाद मांग रही है, और देखिए इन चुनाव से पहले गोपाल भार्गव मंच पर आंसू बहाते हैं और जनता से अलग तरह का आशीर्वाद के यहाँ पर मांग कर रहे हैं सर्वोच्च पद की। अब सर्वोच्च पद के क्या मायने और उसके बाद क्या राजनीतिक भूचाल अंदर खाने में पार्टी की मचता है, देखने वाली बात। इस पर हमने आज डिबेट भी की थी और दोनों पक्षों की राय सुनने काबिल थी। कांग्रेस को जहां इसमें उनके आंसू में छुपा हुआ श्राप दिखता है, तो बीजेपी कहती है कि ये सब कुछ कांग्रेस को ही नजर आ सकता है क्योंकि कांग्रेस बौखलाए। बहरहाल जनता को तय करना आप पर छोड़ते हैं।